दोस्तों आज के इस वीडियो में वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि वॉइस चेंज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसलिए इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब कुछ सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब के बाद दो दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ये तो पता ही है ना। जो मेन वर्ब होता है उसके बाद दो दो कभी कभी ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में एक्टिव से पैसिव में ले जाने के लिए क्या करना चाहिए? तब पैसिव वॉइस बनाने के लिए किसी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया जाता है और दूसरा ऑब्जेक्ट ज्यों का त्यों रह जाता है। इस ऑब्जेक्ट को रिटेन्ड ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, यानी कि उस सेंटेंस में जो दो ठो ऑब्जेक्ट आ जाता है उसमें से जो कोई भी एक को लेकर सब्जेक्ट में चेंज कर देना है और दूसरा वैसे ही जिस जगह में था, जिस पोजिशन में था, वैसे ही उतर जाएगा और इस तरह वो सेंटेंस जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल जाता है। इम्पॉर्टेंट नोट्स, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं किसी भी सेंटेंस में और उसको पैसिव वॉइस में बदलना होता है तो उस समय दो सेंटेंस बनाने की संभावनाएं होती है, एक सेंटेंस पहले वाले ऑब्जेक्ट से और दूसरा सेंटेंस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से। सो लेट्स हैव अ लुक एट वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर से सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता चलता है, यानी कि ये पता चलता है कि उस सेंटेंस को फॉर्म कैसे करना है। वर्ड ऑर्डर वन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। हम पहले ही बताए थे कि ऐसा कंडीशन में दो सेंटेंस फॉर्म होने का प्रोबेबिलिटी होता है, तो पहला सेंटेंस फॉर्म होने का स्ट्रक्चर यही है वर्ड ऑर्डर वन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ड ऑर्डर टू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल टू प्लस ऑब्जेक्ट। दोनों वर्ड ऑर्डर में क्या डिफरेंस है? पास्ट पार्टिसिपल के बाद एक टू ऐड हो गया है, लेकिन वो सेकेंड वर्ड ऑर्डर में। चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। रोहन गेव हर अ रिंग, इस सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट है, हर पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा है ए रिंग, दोनों ही ऑब्जेक्ट है। तो पहले वर्ड ऑर्डर वन को फॉलो करते हुए हम लोग इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। रोहन गेव हर अ रिंग, तो क्या होगा? सी वॉज गिवेन अ रिंग बाई रोहन। जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है हर, वो पैसिव वॉइस में जाकर सी हो गया जो कि सब्जेक्ट है, और अ रिंग वैसा का वैसा ही रह गया, नो चेंज इन द सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर टू को अप्लाई करें तो अ रिंग वॉज गिवेन टू हर बाई रोहन, इस बार जो हर है वो ज्यों का त्यों रह गया और अ रिंग वो सब्जेक्ट बन गया। इसका स्ट्रक्चर देखें तो अ रिंग सब्जेक्ट है, वाज वर्ब बी है, गिवेन पास्ट पार्टिसिपल है, साथ ही टू भी था ना, तो टू ऐड हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट जो रोहन है और हर ज्यों का त्यों रह गया। उसी तरह वर्ड ऑर्डर वन को भी समझ में आ रहा होगा, उसका अगर स्ट्रक्चर मिलाए तो सी है सब्जेक्ट, वाज वर्ब बी, गिवेन पास्ट पार्टिसिपल, और रिंग वैसे को वैसे ही आ जाता है और बाई रोहन जो कि ऑब्जेक्ट है। तो इस एक सेंटेंस रोहन गेव हर अ रिंग से दो सेंटेंस बनने की प्रोबेबिलिटी है पैसिव वॉइस में जब हम लोग चेंज करते हैं तो। नंबर टू, सुधा टीचेस अस हिंदी, इसका क्या होगा पैसिव वॉइस में? वी आर टॉट हिंदी बाय सुधा, ये पहला सेंटेंस हुआ। हिंदी इज टॉट टू अस बाय सुधा, ये दूसरा सेंटेंस है। दोनों में ही वर्ड ऑर्डर वन और वर्ड ऑर्डर टू एक एक करके फॉलो किया गया है, और इसमें अस हिंदी एक्टिव वॉइस में अगर देखें तो अस और हिंदी जो है दो ठो ऑब्जेक्ट है जिसको एक एक बार करके यूज़ किया गया है। नंबर थ्री एग्जाम्पल, अमित टोल्ड अस ए स्टोरी, तो पैसिव वॉइस में वी वेयर टोल्ड ए स्टोरी बाय अमित, और इसका दूसरा सेंटेंस अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू अस बाय अमित। इस सेंटेंस में भी अस और ए स्टोरी दोनों ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट, और इसको एक एक करके यूज़ किया गया है दो सेंटेंस बनाने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि एग्ज़ाम में क्या दोनों सेंटेंस लिख दिया जाए अगर इस तरह का आए तो, या एक करेंगे या कौन सा एक करेंगे? अगर एक करेंगे तो कौन सा एक करेंगे? तो
कोई भी एक सेंटेंस को लिख लेना ही सही होगा। जैसे कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, अमित टोल्ड अस ए स्टोरी, तो अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू अस बाय अमित, अगर ये लिखते हैं तभी भी सही है। वी वेयर टोल्ड ए स्टोरी बाय अमित, ये भी सही है। लेकिन दोनों सेंटेंस को लिख के आना ये सही बात नहीं है। कोई एक जो भी हम लोग को याद रहे उस वक्त, या फिर जो भी लगे कि हाँ ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा बेटर है, ये लिखना ज़्यादा सही होगा, वही लिख कर चले आने से सही वॉइस चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।